चलिए जी, हम जो है बेटा, किंगडम प्रोटेस्टा एंड फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास पोरोजोआ। चलो अंडरलाइन तो नहीं करना। सो वी वर डूइंग अबाउट पोरोजोन या स्पोरोजोआ, ठीक है। एग्जाम्पल जीनस क्या आ जाता है, वन एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम, ठीक है। देन इट इज मलेरियल पैरासाइट, ठीक है जी। तो जो स्पोरोजोआ है, ध्यान से सुनना है, स्पोरोजोन्स हैव एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोन्स। सभी स्पोरोजोन्स जो है वो एंडोपैरासिटिक है। अनदर पॉइंट, डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, कोई स्यूडोपोडिया, कोई फ्लैजेला, कोई सीलिया नहीं है। दे हैव या दे फॉर्म फॉर्म फोर लाइक स्टेजेस इन लाइफ साइकिल, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज फोर लाइक स्ट्रक्चर्स है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज स्पोरोजोन्स। इज इट ओके, ठीक है। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पैरासाइट है, जो मलेरियल पैरासाइट है वो क्या है, डायजेनेटिक है। समरी, डायजेनेटिक का क्या मतलब होता है बेटा? याद है तो जेनेटिक मतलब जेनेटिक मटेरियल ज्यादा होता है? नहीं नहीं बेटे, डायजेनेटिक मीन हम दो न्यूक्लियस होंगे, दो होस्ट चाहिए, दो होस्ट, ठीक है। इधर पवन जो बेटा, बिल्कुल इधर है ना, इधर ध्यान। तो कंप्लीट लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, प्राइमरी होस्ट मैन, सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। डायजेनेटिक मीन्स टू होस्ट, ठीक है। प्राइमरी होस्ट मैन है, सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। It lives in hepatocytes of liver and RBCs. दो जगह रहते हैं मलेरियल पैरासाइट, या तो लिवर सेल्स में रहते हैं या फिर RBCs में रहते हैं, ठीक है। produce toxic hemozoan granules
which causes fever? और दूसरा damages RBCs causing anemia and damages liver causing indigestion. तो fever हो जाता है malaria, anemia हो जाता है, indigestion हो जाता है. ठीक है, ये मेन सिम्टम्स है मलेरिया के. ठीक है, कैन बी क्योर्ड बाय ड्रग कुनीन. स्पेशलाइज्ड ड्रग है कुनीन मलेरिया के लिए. किससे मिलती है? Obtained from bark of cinchona tree. ये एक प्लांट है cinchona, उसकी बार्क से ये ड्रग हमें मिलती है, दैट इज कुनीन, जो मलेरिया को दूर, मतलब ये प्लाज्मोडियम को किल करने के काम आता. इज इट राइट? लाइफ साइकिल इसके प्लस टू में है. इतना ही हम जो है थोड़ी सी हम एक और कर सकते हैं, एक यहाँ पे एक और पॉइंट हम कर सकते हैं. वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जीनस है, इसकी कई स्पीशीज है जो मलेरिया करती है. फर्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, सेकेंड है प्लाज्मोडियम पी मलेरिया, पी का मतलब प्लाज्मोडियम मलेरिया. अनदर इज, थर्ड इज प्लाज्मोडियम फॉल्सीपारम. बाकी इसकी डिटेलिंग जो है दैट वी विल डू इन प्लस टू. राइट, तो पहले आप ये नोट कर लो, जोरावर वीडियो ऑन करो बेटा. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा क्लास सिलिएटा. जीनस मेन जो है ये है पैरामीशियम. पैरामीशियम को कॉमनली हम कहते हैं स्लीपर एनिमल क्यू, स्लीपर की तरह जैसे हमारी चप्पल होती है ना. शेप इसकी वैसी है. ये देखिए, ये बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ सीलिया है. दीज आर सीलिया. यहां पे बेटा दो न्यूक्लियस है, वन लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस एंड दिस स्मॉल इज माइक्रो न्यूक्लियस. देन फ्रेश वॉटर में रहता है ये वॉटर ड्रॉपलेट्स और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. जरूरी नहीं कि दो है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. This is contractile vacuole, cytoplasm. यहां से बेटा food material अंदर आता है
देन ये लाइसोसोम है, दिस इज स्पून, ये दोनों फ्यूज होकर फूड वैक्यूल बना देते हैं, जिसमें से डाइजेस्टेड फूड बाहर की तरफ, बाहर मतलब सेल में साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होता है, राइट? सो दिस इज लाइसोसोम, दिस इज फूड वेसिकल, दोनों ने फ्यूज होके क्या बनाया, फूड वैक्यूल, और ये जो कैविटी है दिस इज कॉल्ड एज गलेट, दिस लार्ज वन इज मैक्रोन्यूक्लियस, दिस स्मॉल इज माइक्रोन्यूक्लियस, दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दीज आर सीलिया, और बेटा इसकी पेरिफेरी पे, एक मिनट बच्चे, यहां बेटा पेरिफेरी पे देयर आर स्मॉल स्पाइनल स्ट्रक्चर्स फॉर डिफेंस कॉल्ड एज ट्राइकोसिस्ट, ये आपने सारे बना लिए हैं, पिन लाइक स्ट्रक्चर्स या स्पाइनल स्ट्रक्चर्स पिन लाइक कह लो, दीज आर कॉल्ड एज ट्राइकोसिस्ट, फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस, तो सिलिएट्स, सिलिएट्स जो है जनरल फीचर्स अगर सिलिएट्स की करें, ऑफ सिलिएट्स these are fresh water organisms, second hai locomotion by thousands of cilia, may have two or more than two nuclei, कुछ स्पीशीज में बेटा दो से ज्यादा भी nuclei है, have CV, जोरावर CV का क्या मतलब होता है बेटा, yes tell me anybody, पवनजोत, समरीत, what do you mean by CV? Contractile vacuole. Yes, contractile vacuole. Have contractile vacuole for osmoregulation. पवनजोत, what is osmoregulation? Yes, पवनजोत, जल्दी से. Yes, ma'am. What is osmoregulation? मैम फिर से रिपीट करना मैम एक बार. What is osmoregulation? मैम osmoregulation. मैम जैसे मैम मतलब उसको define बताने हैं फिर मैम उसके features बताने हैं. कुछ भी बताओ osmoregulation का. मैम जैसे वो एक फ्लूइड की तरह काम करती है. ना ना, ऑस्मो रेगुलेशन, जोरावर व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन,
osmoregulation matlab maintaining salt and water concentration in the cell. That is osmoregulation. Is it right? Theek hai ji. So, have tactile vacuole for osmoregulation. Next, aa jata hai. With the simultaneous movement of cilia, food is passed into gullet और फिर अंदर जाके digestion होती है, ठीक है जी? तो cilia helps in locomotion as well as it helps in you know capturing of food also. Is it okay? So this is about cilia, this is about you know ciliata. तो एक example है, examples मैंने आपको बताई है. One example is paramecium. Another example is vorticella. Bell की तरह shape होती है, इसलिए this is also called as bell animalcule. Right? So these are the two main examples of ciliata, and this is all about protist. ठीक है? तो जल्दी से ये लिखो और फिर हम आगे चलते हैं.